सेवा जोहार, और मैं जो मेरे घर से लोग सुन रहे हैं उनको अही आया, एंड बाकी मेरे सारे साथियों को गुड इवनिंग। मेरा नाम रिमी तादू है और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। सबसे पहले तो मैं उषा आंटी को और कमलेश जी और वड्डे जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ आप लोगों के सामने अपने विचार रखने के लिए और एक मेल जोल बनाने के लिए। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं हुई है, कई बार मैं अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करूँगी, आप सबसे उम्मीद है कि आप समझेंगे मेरी बात, और अगर नहीं समझ में आते तो हम फिर बात करेंगे और आप हमें बताइए कि किस बात मुद्दे पे हमको और डिस्कशन करना चाहिए। मैं गोंडवाना दर्शन को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जो एक मैगजीन के रूप में स्टार्ट हुआ था। अतराम अंकल ने उनको स्टार्ट किया और कम से कम 32 इयर्स तक उन्होंने चलाया, और गोंडी भाषा को आगे बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा सहयोग है, और गोंडी समाज के लोगों के उनके कल्चर, उनके हिस्ट्री, उनकी भाषा के ऊपर बहुत अच्छे काम किए हैं। आज वो नहीं रहे लेकिन उशांति इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं, और अब फेसबुक पे जो प्रोग्राम रख रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हर रोज के हिसाब से नए लोगों के विचारधारा को हमारे सामने रख रहे हैं, और जब हम सुनते हैं उनको तो समझ में आता है जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि उत्तर पूर्वी राज्यों से भी लोगों को बुलाएं और एक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम लोग ज्योग्राफिकली बहुत दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन हमारी जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी अनुभूतियाँ हैं, जो हमारी सच्चाई है, जिन चीज़ों से हम लड़ रहे हैं, जिन चीज़ों को से जूझ रहे हैं, उनमें बहुत सारी समानता है, और एक स्तर पे हमको एक साथ इन सारी सवालों को एक साथ उठाना चाहिए। और ये गोंडवाना दर्शन का जो इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छा स्पेस है हम लोगों को एक दूसरे से मिलने का, जानने का, समझने का। मैं नर्वस भी हो रही हूँ, पहली बार फेसबुक पे लाइव आ रही हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा यहाँ से, जब है ना तो मैं कैमरा को देख रही हूँ, पता नहीं चल रहा कौन मुझे सुन रहा है, किनको आवाज़ आ रही है, नहीं आ रहे हैं। आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने के लिए आपके सामने आई हूँ वो है रेसिज्म के ऊपर में। रेसिज्म का मतलब है नस्लवाद। सारी दुनिया में बहुत सारे नस्लें, रेस के लोग रहते हैं, इस सारी दुनिया क्या भारत के भीतर भी बहुत सारे रेस के लोग रहते हैं। नस्लवाद तब आती है जब उनके विचारों में फर्क आता है उनके पावर रिलेशन के कारण। जब एक रेस अपने आप को दूसरे रेस से बेहतर समझने लगते हैं, दूसरे नस्ल से बेहतर समझने लगते हैं, और दूसरे रेस को दबाना शुरू करते हैं, उनको कमज़ोर बनाते हैं, तो उस समय एक तरह का रिश्ता उनमें बनता है जिसको हम रिलेशन बोलते हैं, और उसको हम हमारी एकेडमिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो स्ट्रक्चरल रिलेशन। स्ट्रक्चरल रिलेशन का मतलब है एक ढांचा, एक पावर रिलेशन का एक ढांचा बोलेंगे, या फिर संरचनात्मक एक रिलेशन बनता है एक रिलेशन बनता है जहाँ पे एक सारा सिस्टम, एक सारा समाज का जो रिलेशन है, रिश्ता है, वो एक नस्ल को प्रोटेक्ट करता है, उनको और शक्ति देती है, उनको प्रिविलेज देता है,
कि वो दूसरी नस्ल को नीचा दिखाए, उनको हैरेस करे। और अभी रिसेंटली आपने जैसे यूएस अमेरिकी देश में और जो हुआ था, जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर हुआ था, जो जिनको हम जो एक अश्वेत अमेरिकन है और उसको एक वाइट यानी कि एक श्वेत पुलिस ने उनका मर्डर किया था, तो ये इशू बहुत जोर पकड़ लिया अमेरिका में, क्योंकि ये एक एक अकेला केस नहीं है जहाँ ऐसा हुआ है, कई कई बार हुआ है ये केस, कई बार कई सालों से हुए हैं और हजारों में लोगों को इस तरह से मारा गया, उनको अश्वेत लोगों को वहाँ अमरीकी देश में उनको अपने से छोटा मानते हैं वाइट वाले और उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं। और इतने सालों के बाद भी जब हम जानते हैं कि बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन चुके हैं वहाँ के, फिर भी इतने सालों के बाद में भी रेसिज्म जो है वहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करता है और कई बार सिस्टम उसको छुपाते भी है और जो देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे किसी का मर्डर हो जाता है, जहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, उस समय बात आगे बढ़ के निकल के आती है। लेकिन जो रेसिज्म का रियलिटी है वो कई बार इस तरह से बाहर निकल के नहीं आते हैं, वो हमारे जीवन में जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि हमारा समाज ही उस तरीके के स्ट्रक्चरल रिलेशन से बंधे हुए हैं जहाँ पे हमेशा पावर को इक्वली शेयर नहीं किया जाता है ना। अगर हम लोग इंडिया में आए और नस्लवाद के बारे में बात करें, तो इंडिया में ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ढांचा काम नहीं कर रहा, यहाँ पे बहुत सारी ढांचा काम कर रहे हैं, कास्ट को लेके, जो वर्ण जातिवाद का ढांचा जो है, फिर यहाँ पे रिलीजन को लेके होता है, यहाँ पे रीजन को लेके होता है, रिलीजन को लेके जिस तरह से माइनॉरिटी रिलीजन है उनको जिस तरह से ओप्रेस किया जाता है या उनके खिलाफ बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं, और जो डोमिनेंट रिलीजन है वो ऐसा समझ लेते हैं कि उनके उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं होगा अगर वो किसी को जाके किसी का चर्च चला देते हैं या किसी का किसी के रिलीजन को, ठीक है वहाँ पे नहीं। फिर रीजनलिज्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पे साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वहाँ के लोगों को एकजुट से बोला जाता है कि मद्रासी लोग हैं, है ना, और वो लोग इडली डोसा खाते हैं और वो लोग इस तरह के स्टीरियोटाइप्स बनते हैं। या फिर नॉर्थ ईस्ट को लेके, जहाँ से मैं आती हूँ, उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में किस तरह से बोला जाता है, या फिर किसी एक समुदाय को लेके, जैसे सरदार जी, पंजाब के जो सरदार जी लोग हैं उनके बारे में जोक्स चुटकुले बनाए जाते हैं, संटा बंता के जोक्स बनाए जाते हैं, उनको किस तरह से दिखाया जाता है कि उनको कुछ समझ नहीं है, उन कितने क्या बोलेंगे अंग्रेजी में डम बोलते हैं ना, तो उस तरह के उनके जोक्स बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपको किसी भी जाति किसी भी इंसान को के लिए उनके जाति को लेके, उनके कल्चर को लेके, उनके रीजन को लेके, उनके रिलीजन को लेके नीचा दिखाना, उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना उनके साथ, या उनको किसी भी तरह से हार्म पहुंचाना, एक उस सभ्यता के बारे में बोलते हैं जो कि अनइक्वल है, अनइक्वल बोलेंगे तो जिसमें भेदभाव भाव रहता है। तो जब हम रेसिज्म के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी रेसेस हैं और बहुत सारी
और बहुत ये बहुत सारी रेसेस अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं, अलग अलग समाज को बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग रीजन को बिलोंग करते हैं। और कई बार इस बात को समझ में नहीं, कई बार तो रेसिज्म को कलरिज्म या फिर रंगवाद या रंग भेद से कंफ्यूज किया जाता है। रंग भेद का मतलब होता है जब एक ही रेस में या फिर एक ही समुदाय में जब गोरे रंग को प्रेफरेंस दिया जाता है उसको, और जो डार्कर रंग है उसको उनको नीचा दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, कई बार लोगों को नौकरी इस बात के बेसिस पे नहीं मिलता है कि उनका कलर कैसा है, उनके कलर से अज्यूम किया जाता है कि ये किस क्लास के आते होंगे, किस कास्ट के होते होंगे, है ना। और या फिर फिल्म इंडस्ट्री को देख लीजिए या फिर किसी भी कॉस्मेटिक एडवर्टाइजमेंट को देख लीजिए, वहाँ पे बार बार ये एडवर्टाइज किया जाता है कि आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, आपको इस तरह के रोल मिलेंगे, ये मौका मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। और एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि जब आप ये क्रीम लगाते हैं आप और गोरे हो जाते हो, आपकी शादी हो जाती है, आपको नौकरी लग जाता है, ना आप में वो कॉन्फिडेंस आता है। ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है उन लोगों को जिन जो नेचुरली गोरे नहीं है, जो डार्कर स्किन कलर रखते हैं जिनका होता है, उनको ये बताया जाता है कि आप क्वालिफाइड नहीं होते हो इस जॉब के लिए क्योंकि आप डार्कर हो, या फिर आपको की शादी नहीं होगी, आपको दहेज देना पड़ेगा आपके रंग के कारण, और या फिर आपसे ये बोला जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि आप डार्कर हो। और इंडिया में रेसिज्म को कलरिज्म के साथ में कई बार कंफ्यूज किया जाता है क्योंकि रेसिज्म की अंडरस्टैंडिंग जो है ये बहुत स्ट्रोंगली हमारे सोच में समझ में अमेरिकन एक्सपीरियंस या अश्वेत भाई बहने जो होती है उनके एक्सपीरियंस से जोड़ा जाता है। तो जो जब हमारे भारत के लोग विदेशों में जाते हैं और उनके साथ भी भेदभाव होते हैं उनके रंग के कारण, तो रंग के कारण उनको ब्राउन बोले जाते हैं और उनके कल्चर का मजाक उड़ाया जाता है, उनको हैरेस करते हैं, तो वो वहाँ पे जो रेसिज्म है, अमेरिकन रेसिज्म वहाँ पे जो होते हैं अश्वेत और श्वेत समुदाय लोगों के बीच में, उनके साथ इसको कंफ्यूज करते हैं। फिर यहाँ पे रेसिज्म को सिर्फ उसी दायरे से देखा जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो रेसिज्म के जो एक्सपीरियंसेस है उसको आप सही मायने में नहीं नाप पाते हो, ये कितना हानिकारक है और कितना खतरनाक हो सकता है इस बारे में लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ पे भी इंडिया में भी बहुत सारे अश्वेत भाई बहन हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं यहाँ पे और रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं। उनके साथ में अगर हम एक अश्वेत और श्वेत लोगों के बीच में जो नस्लवाद का इशू है उस नज़रिए से देखेंगे तो फिर हमारे इंडिया में हमारे जो अश्वेत भाई बहनें जो यहाँ रहते हैं उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आए दिन हमको केसेस मिलते हैं जहाँ पे ये हो रहा है, उनके साथ भी भेदभाव हो रहे हैं, उनका लिंचिंग हो रहा है, उनको रास्ते पे बहुत सारे वीडियोस हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पे उनको पीट रहे हैं लोग मिल के, या फिर उनके लड़कियों को हैरेस कर रहे हैं, या फिर उनके बारे में स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणा या रूढ़ प्रारूप, उनके बारे में इस तरह की धारणाएं बनाए जाते हैं कि ये लोग ड्रग्स बेचते हैं यहाँ पे, ये लोग इस तरह के इलीगल काम करते हैं, है ना। और
और उनके अगेंस्ट में भी बहुत सारे केसेस होते हैं नस्लवाद को लेके। मैं आपके सामने में हमारी नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्वी राज्यों से या फिर हमारे लद्दाख से, सिक्किम से, या क्या बोलते हैं, और हिमाचल से बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो भारत में रहते हैं और किसी ना किसी वजह से अपनी 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 स्टेट से, अपने राज्य से निकल के आते हैं और शहरों में आते हैं और दूसरे समाज के साथ में रहने की कोशिश करते हैं, या तो पढ़ाई के लिए। नॉर्थ ईस्ट का अगर हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो वहाँ पे कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ वैसे अच्छे नहीं है, जहाँ क्वालिटी एजुकेशन हमारे सरकार के तरफ से हमें मिला नहीं है, हमारे यहाँ पे जॉब्स नहीं है। हाँ, जो अगर पढ़ लिख के निकल भी आते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती है। और एक बहुत समय से नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, कुछ राज्यों में एक एक ऐसा सिचुएशन बना हुआ है जहाँ पे क्या बोलते हैं, सरकार जो मिलिट्री मिलिटेंसी वहाँ पे जो है, उसके वजह से सारे यूथ जो वहाँ के, कई लोग, एक समय था जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी 2003 से 6 तक, उस समय मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मणिपुर से आते हैं, नागालैंड से आते हैं, और मुझे बताते थे कि वो क्यों आते हैं दिल्ली में। हाँ, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड था फ्रांसिस करके, उसने बताया कि उसके उसके माँ और पिताजी ने उसका सामान बांध के उसको घर से भगाया और बोले कि तुम दोबारा कभी घर मत आना। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे अंडरग्राउंड के जो लोग हैं वो ज़बरदस्ती उनको रिक्रूट कर रहे थे, अंडरग्राउंड के मिलिट्री ग्रुप जो हैं उनको ज़बरदस्ती अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। और वो लोग जो उन ग्रुप में शामिल नहीं होते हैं, या तो आप सरकारी मिलिट्री के हाथों पीटते हैं या तो इस तरह के ग्रुप के यहाँ से यहाँ पे फंस जाते हैं। तो ऐसे हालात में कई परिवार लोग उनको ज़बरदस्ती अपने यूथ जो हैं उनको भगा देते थे। मेरे कई फ्रेंड्स वो लोग इसलिए नहीं, अपने यहाँ मणिपुर में नहीं पढ़ रहे थे या नागालैंड में नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि उनकी जो कॉलेजेस है उसका पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाता था। 2 साल पढ़ेंगे, 4 साल पढ़ेंगे ग्रेजुएशन, 8 साल भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं क्योंकि क्लासेस नहीं होती थी, या फिर एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाते थे, या तो उनके कॉलेजेस पर हमला हो जाता था, है ना, कोई शांति से नहीं रह पाते थे। तो ऐसे हालात में वो बाहर निकल के आ जाते थे। मेरे अरुणाचल की बात करें तो हमारे हाल ही में दिल्ली, हमारी एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुए हैं, अभी हाल ही में ही कुछ कॉलेजेस निकल के आ रहे हैं। क्लास 12 के बाद हमको, हमारे पास ऑप्शन रहता नहीं था कि हम अपने यहाँ रहें, हमको या तो आसाम आना पड़ता था या फिर दिल्ली या फिर बैंगलोर, ऐसी जगह पे जाने पड़ते थे जहाँ पे हमारी, हम अपनी उच्च शिक्षा ख़त्म, उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। तो क्या होता है जब हम दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं, जब मैं आई थी, जब तक हम अपने अपने राज्य में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, अपने शहरों में रहते हैं, तब तक हम अपने समुदाय के साथ रहते हैं और हमारी पहचान इंडिया के बारे में या फिर दिल्ली के बारे में या फिर इंडिया के किसी भी राज्य के बारे में किताबी, हमको किताबी जानकारियाँ होते हैं, या फिर हमारे जो टीवी में या फिर फिल्मों में जो दिखाए जाते हैं, हम हमारी समझ उससे बनती है। हमको एक सपना मिलता है कि दिल्ली ऐसा होगा, दिल्ली वैसा होगा, दिल्ली के लोग ऐसे होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, या फिर यहाँ के लोग, दिल्ली के लोग बहुत ही सभ्य होते हैं, बहुत खुश मिजाज होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, और दिल्ली में ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, सिटी है, ये देश का कैपिटल है, और सब एक साथ रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। जब मैं आई दिल्ली में तो पता चला कि मैं
दिल्ली इंडिया में एक्सेप्टेड नहीं हूँ, लोग मुझे जान मेरा अस्तित्व को नहीं जानते कि मैं कहाँ से हूँ, मुझसे इसमें फ़र्क है एक दिल्ली या नॉर्थ इंडिया के एक्सपीरियंस और जब मैं साउथ इंडिया में जाती हूँ वहाँ का एक्सपीरियंस है। साउथ इंडिया में अक्सर मुझसे पूछते कि तुम कहाँ से हो, तुम क्या चाइना से हो, नेपाल से हो। दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ, दिल्ली में कुछ पूछा नहीं गया, अज्यूम किया गया कि तुम नेपाल से हो। हाँ, और वहाँ पे आपको एक, मैं जो पहले बता रही थी, स्ट्रक्चरल रिलेशन ऑफ पावर एंड पावरलेसनेस, जिसके पास शक्ति है और जिसके पास, या जिसके पास बल है और जिसके पास बल नहीं है, उस रिलेशन में आपको ढाल देते हैं। आपको आपको उसमें डाल लेते हैं और आपके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा वो चाहेंगे। एक कैसे एक्सप्रेस करने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन तो क्या होता है, दिल्ली में आते ही मुझे पता चला कि लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरे बारे में, है ना। मैं जैसी दिखती हूँ, मेरा एक्सेप्टेंस नहीं है इस शहर में, और जैसे मैं समझती थी दिल्ली कैसा होगा वैसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मुझे चिंकी चिंकी करके बुलाया जाता था, फिर नहीं तो नेपाली नेपाली, कांची कांची करके, और हर रोज का ये होता था। और मेरे फ्रेंड्स, हम लोग एक साथ बैठ के, मतलब कितना उम्र होगा हम लोगों का, ग्रेजुएशन के लिए फर्स्ट ईयर में आए हैं, और सड़क पे निकलते ही, मतलब हमारे पीजी से बाहर कदम रखते ही शुरू हो जाता था। रास्ते पे चलते चलते कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाएगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट से जो लड़कियां होते हैं, हाँ, महिलाओं का एक्सपीरियंस रेसिज्म का बहुत ही अलग रहता है ना। तो रास्ते पे कोई भी आके रोकेगा, अच्छा तुम्हारा नंबर बताओ, कितने में बिकते हो, है ना, ये पूछा जाता था हम लोग उससे। फिर कॉलेज में जब पहुँचे तो कॉलेज में भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पढ़े लिखे लोग होंगे, या फिर पढ़ना लिखना चाहते हैं ऐसे लोग आते होंगे कॉलेज में, हाँ, तो उनको समझ होगी, पढ़े लिखे से हमारा ये अजम्पशन ये है कि लोग समझते हैं, जानते हैं अपने देश के बारे में, तो कम से कम जानते हैं। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे जाते ही हर तरह के सवाल किए जाते हैं, तुम क्या खाते हो, तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, तुम लोग कपड़े पहनते हो, क्या करते हो, है ना। और ये इसलिए नहीं पूछा जाता कि उनको जानकारी चाहिए, वो तुमको हमें छेड़ने के लिए पूछते थे, है ना। तो क्या बताएं, रेसिज्म का मैं इसको ट्रिविलाइज नहीं करना चाहती, मैं इसको एक मामूली मुद्दा नहीं बनाना चाहती मैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। किस लिए खतरनाक है, इसलिए क्योंकि दिल्ली में मेरे बहुत सारे भाई बहनों का मर्डर हो चुका है, जो उत्तर पूर्व से आते हैं, उनके साथ उनका मर्डर हो चुका है। एक निधो तानिया करके एक भाई था जिसका 2014 में मर्डर हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि वो अलग दिखता था, उसको छेड़ा गया जिस तरह से हम लोगों को छेड़ते हैं, और जब उसने जवाब दिया तो सारा भीड़ आ गया कि उसको मारा, इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई, और उसके ऊपर केस चल रहा है। और नीदो तांजा के बारे में शायद आप लोगों से मैं बहुत सारे लोग जानते होंगे उनके केस के बारे में, क्योंकि उनकी हत्या के बाद बहुत सारा प्रोटेस्ट चला दिल्ली में, बहुत सारा प्रोटेस्ट चला, और इसके बारे में बहुत सारी बातें उठाई गई टीवी पे भी, न्यूज़ पे भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए। और मेरा मानना है कि दिल्ली में उस प्रोटेस्ट के बाद में काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन निधो तांजा के पहले क्या हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन के लिए थी यहाँ पे दिल्ली में, मेरे फ्रेंड्स को पीटे गए हैं, हाँ, घेर के, क्योंकि हम लोग अलग दिखते हैं, हमको रास्ते पे कोई भी आगे छेड़ देता है, और
हम नाराज नहीं हो सकते, हम सवाल नहीं पूछ सकते। और अगर सवाल पूछा तो फिर सारा भीड़ आ जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे आपसे लड़ाई हो रही हो तो हम दोनों की लड़ाई चल रही है ना। जैसे ही दिखता है कि ये नॉर्थ ईस्ट का है या उत्तर पूर्व से कोई आया है, हमारे से अलग दिखता है, तो सारा भीड़ आ जाता है आपको पीटने के लिए। लड़कियों को छेड़ा जाता है बसेस में, मेरे साथ में भी बहुत सारी छेड़खानी हुई है। और अगर मैं रेजिस्ट करती हूँ तो आसपास के लोग हंसते हैं और इस तरह महसूस कराया जाता है कि मतलब तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए, हो सकता है इससे हो सकता है और तुम कुछ नहीं कर सकते। कई बार हम लोगों को ये बोलते हैं कि बोला जाता है कि तुम वापस जाओ अपने जंगल में, यहाँ क्या कर रहे हो, गो बैक टू योर कंट्री, गो बैक टू योर विलेज, गो बैक टू योर जंगल। इस तरह के बातें सुनने को मिलते हैं। हर बार आपको महसूस कराया जाता है कि आप यहाँ पे वेलकम नहीं हो। और बहुत सारे केसेस हुए। मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे ऐसा एक पीरियड आ गया था जहाँ पे हर हफ्ते एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़की का गैंग रेप होता था, किडनैपिंग होता था, उनका मर्डर होता था। और क्या होता था, इन केसेस को पुलिस रजिस्टर भी नहीं करते थे। पुलिस के पास जाओ तो पुलिस आपको और दो चीज़ें सुनाएंगे, तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, हाँ तुम लोग वापस चले जाओ, हाँ और क्या हुआ, ये छोड़ो ये सब, है ना। इस तरह का व्यवहार होता था हमारे साथ में। और प्रॉब्लम कई तरह के थे हम लोग जिस जो फेस कर रहे थे। मेरी हिंदी आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्योंकि मैं ठीक ठाक हिंदी बोलती हूँ, क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ जहाँ पे हमारे ऊपर हिंदी थोपी गई है ना। सरकार ने ऐसे ऐसा सिस्टम बनाया कि हमारे लोग हिंदी सीख के आए, हिंदी बोलते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी भाषा भूल रहे हैं और हिंदी बोलते हैं। गर्व महसूस होता है कि हमें हिंदी आती है, लेकिन उसके साथ में दुख भी होता है कि मतलब हमें हिंदी किस तरह से सिखाया गया, बुलवाया गया, है ना। तो ये बाकी स्टेट्स जो है, नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, और मणिपुर के जो हिली एरियाज हैं वहाँ के बहुत सारे भाई बहनें जो हैं उनको नहीं आती हिंदी। वो अपनी भाषा बोलते हैं और जिनको आती है वो अंग्रेजी में बोलते हैं। जब वो दिल्ली में आते हैं तो भाषा के कारण वो उनके साथ क्या हुआ वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। और इस वजह से वो अपने ग्रुप्स में ही रहते हैं और अपने साथियों के साथ ही रहते हैं। और उसको लेके हाँ कैसे बताएं, बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे फिर एक सवाल आता है कि ऐसे हालत में हमारी सरकार क्या करते हैं। सरकार नस्लवाद को किस तरह से डील करते हैं। जो अमेरिकन देश है या फिर यूके में है वहाँ पे रेसिज्म को लेके बहुत स्ट्रिक्ट लॉस है, लेकिन इंडिया में रेसिज्म रेसिज्म जो बोलते हैं नस्लवाद, उसको एक इस शब्द का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक एक्ट है जिसे कहते हैं ST/SC एट्रोसिटी एक्ट, जहाँ पे ST या SC समुदाय के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार होगा तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है। और उस एक्ट में कहीं पे भी रेसिज्म की बात नहीं बोली जाती है। जब कभी केस होता है, कोई पुलिस के पास जाके कंप्लेन करता है, फॉर एग्जांपल कंप्लेन करता है, तो वहाँ पे टीजिंग इस्तेमाल किया जाएगा, हैरेसमेंट जैसे लीगल टर्म्स इस्तेमाल किए जाएंगे, कभी रेसिज्म करके यूज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे क्या होता है कि ये जो केस है वो एक साधारण ईव टीजिंग का केस बन जाता है या हैरेसमेंट का केस बन जाता है, या फिर उसको लड़ाई झगड़ा के रूप में, अगर मान लो यहाँ के लोकल लड़का और नॉर्थ ईस्ट का लड़का के बीच में ये इशू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर नीदो तान्या का केस पकड़ लेंगे जहाँ पे नीदो तान्या की मृत्यु हो गई है, अगर नहीं होता और वहाँ पे सिर्फ
और वो बच जाता और अगर वो पुलिस पे जाता तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, उनके आपस की लड़ाई करके इस केस को बनाया जाएगा, जहाँ पे हाँ इस केस को कभी भी एक रेसिज्म का इशू नहीं बनाएगा, जबकि सबको पता है कि क्या हो रहा है। इससे क्या होता है कि एक प्रोफाइलिंग होती है, क्या बोली हिंदी में कैसे बोलते हैं पता नहीं, एक कैटेगरी बनाया जाता है समाज में, लोगों के विचार में, कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो कैसे होते हैं, हाँ, और उनके साथ क्या क्या व्यवहार किया जा सकता है और जो एक्सेप्टेबल है, और ठीक है, और क्या बताएं, आज के समय में एक कॉन्सेप्ट है अवर्जन रेसिज्म करके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलता है कि हमको जाति या रेस या रिलीजन को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सारा देश सबके लिए एक समान है, और एक समान है और कोई एक दूसरे को ऊंच नीच नज़र से नहीं देखेंगे। तो ये पढ़े लिखे सारे लोगों को समझ में आता है और पढ़े लिखे लोग मानते भी हैं कि रेसिज्म गलत है ना। तो अवर्जन कंसेप्ट, अवर्जन रेसिज्म में क्या बोलते हैं कि ये समझ सबको है तब तक जब इस चीज़ को बुरा माना जाता है। जहाँ पे लॉ बताते हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, है ना, जहाँ तक ये डिफाइन होता है, या फिर आपको आपके समाज में आपको ये बताया जाता है कि ऊंच नीच की बात नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक ये होता है तो लोग इस तरह के क्या भेदभाव को नहीं मानेंगे। लेकिन जहाँ पे ये लॉ डिफाइन नहीं होता है या फिर क्या, जब जब लोग रेसिज्म को लोग बुरा मानेंगे, लेकिन क्या बोलते, फॉर एग्जांपल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं या फिर वर्क स्पेस है जहाँ पे लोग नौकरी करते हैं, तो वो बहुत ही डाइवर्सिटी को बहुत अच्छा मानते हैं कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे यहाँ पे दलित समुदाय के लोग होने चाहिए, हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्यों से भी लोग होने चाहिए। इस चीज़ को अच्छा मान के लोग आपको लेके आते हैं और आपके साथ एक फॉर्मल आपको रिजर्वेशन भी देते हैं, आपको मौका देते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करें जो काम हो रहा है वहाँ पे। लेकिन वो वहीं तक सीमित रहता है, जैसे कि ऑफिस है तो ऑफिस में आप जहाँ तक एक दूसरे से काम करते हैं, एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, जहाँ तक आपको ज़रूरत होता है आपसे बात करने के लिए, बहुत पोलाइटली बहुत सभ्य तरीके से बातचीत होती है, और एक बस लेकिन बात ये कि वो बस वहीं तक रुकता है, उससे ज़्यादा आपसे इंटरेक्शन करना नहीं चाहेंगे। हाँ, आपको पता रहता है कि मुझे यहाँ भेदभाव नहीं करनी चाहिए, अगर वो दलित समुदाय की है या फिर वो एक महिला है या फिर उत्तर पूर्वी राज्य से आते हैं तो, लेकिन लेकिन वो बस वहीं तक सीमित है, इसके बियॉन्ड फॉर एग्जांपल रेसिज्म को लेके डिस्कशन नहीं होता है। लोग समझ लेते हैं कि मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करता, मैं इस तरह की भाषा नहीं बोलती, मैंने किसी को मारपीट नहीं की, किसी को छेड़छाड़ नहीं किया, तो बस वहीं तक ख़त्म हो जाता है। उसके बियॉन्ड ये कोशिश नहीं करते हैं कि आप इस मुद्दे को लेके इशू बनाएं। हाँ, तो कई बार ये देखा जाता है, और इससे क्या होता है, इससे भी जो रेसिज्म है, जो नस्लवाद है, वो आपके आपके सोच में समझ में है, जो आप बचपन से सीख के आए हो वो आप में है, आपने अपने शिक्षा के द्वारा या अपने
जानकारी के द्वारा समझ लिया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत क्या प्रैक्टिस है, लेकिन लेकिन वो आप में अभी भी है और वो कई बार झलक के आ जाता है। तो मेरे लिए मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, तो हम लोगों को कई बार हम पॉइंट आउट नहीं कर पाते कि कहाँ पे हमारे साथ भेदभाव हुआ है। और सिर्फ भेदभाव होना ही क्या काफ़ी है आपको ये महसूस कराने में कि आप वहाँ पे एक समान, आपके साथ एक समान का आपको एक समान नहीं देखा जा रहा है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरे वर्क स्पेस पे, मेरे वर्क स्पेस पे मुझे मौका मिला वहाँ पे काम करने का, या फिर कोई मेरे जहाँ पे मैंने पढ़ाई किए हैं, मुझे मौका मिला कि मुझे वहाँ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। हाँ, लेकिन इस बेसिस पे मुझे मौका मिला है क्योंकि मैं उत्तर पूर्वी राज्य से हूँ। लेकिन उस ऑफिस पे या उस यूनिवर्सिटी स्पेस पे या फिर उस क्लास में कभी भी नस्लवाद को लेके डिस्कशन नहीं किया गया। लोग बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं करके ऐसे रहते हैं जैसे कि जैसे कुछ हुआ नहीं है। जबकि आपको उस इंस्टीट्यूट में इसलिए एडमिशन मिला या उस वर्क स्पेस पे आपको इसीलिए मौका मिला क्योंकि आप उस समुदाय से आते हो जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन इस बात पे डिस्कशन नहीं किया जाता कि वो रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, क्यों हमारे समुदाय के लोग बहुत कम हैं यहाँ पे, है ना। और जब हम यहाँ पे हैं तो हमारे साथ क्या होता है ना। तो सिर्फ मौका देने में और उस चीज़ को एक मुद्दा बना के डिस्कशन करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं एक आप लोगों के आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पहली बार आप सुन रहे होंगे कि मतलब ये क्या है, नस्लवाद का मतलब क्या है, उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है ना। तो समझने में मुश्किल होती हो क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है, मैं अपने कई दोस्तों के साथ इस मुद्दे पे डिस्कशन करने की कोशिश की है और एक लिमिट के बाद उनको समझ में नहीं आता, वो मुझसे सवाल करने लग जाते हैं कि तुम कहीं ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं हो रहे हो, या फिर बोलते हैं कि नहीं ये तो मजाक में कहा गया था, तुम इसको सीरियसली मत लो, या फिर यहाँ तक भी बोलते हैं कि तो ये सच तो है। हाँ, जैसे कि मुझे बुलाएंगे कि मुझे अच्छा तुम लोग चिंकी लोग क्या करते हो, ऐसे बोले, और मैं बोलूँगी कि तुम चिंकी क्यों बोलते हो, ये एक डेरोगेटरी टर्म है, आप इस तरह के शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो फिर मुझसे बोलते फिर तुमको चिंकी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना। और चिंकी क्यों बोल रहे, क्योंकि क्योंकि हमारी आंखें अलग हैं, हमारा शक्ल जो है देखने में अलग है, और इसलिए तुमको चिंकी बोल रहे हैं ना। फिर बता समझा मुझे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ये नहीं देखा जा रहा है कि ये मुझे कैसा फील करा रहा है ना। तो कैसा फील होता है रेसिज्म जब आप फेस करते हैं। मेरा रेसिज्म के साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत वाइड रहा है। जब मैं पहली बार जब आई थी दिल्ली में तो उस समय मैं बिल्कुल शॉक थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रेसिज्म क्या होता है, और इसका क्यों होता है, कौन करते हैं, कुछ पता नहीं था। मैं वहाँ से अपने आप को एक इंडियन समझ के, हाँ, बहुत खुशी खुशी यहाँ अपनी पढ़ाई करने आई थी, और फिर पता चला कि मेरा मजाक उड़ाया जाता है, मुझे छेड़ा जाता है, मुझे हैरेस किया जाता है क्योंकि मैं ऐसे दिखती हूँ ना। मुझे रास्ते पे लोग पीछे चल चल के मजाक उड़ाया जा रहा है कि चिंकी चिंकी करके, और मैं मुड़ के देखूँ तो वो लोग हंसते हैं, या फिर ए नेपाली ए कांची, इस तरह से बोला जाता है। तो मैं अपने नेपाली भाई बहनों, हाँ,
कभी कभी कई बार समझ में नहीं आता मैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में मेरे नेपाल के बहुत कम ही फ्रेंड्स हैं, समझ में नहीं आता कि उनको क्या, उनको किन हालातों से गुजरना पड़ता होगा जब हमें नेपाली बोल के मजाक उड़ाते हैं, तो उनको अपनी कम्युनिटी के बारे में कैसा महसूस होता होगा कि जब दिल्ली के लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे याद है मैं कैसा होता है रेसिज्म का एक्सपीरियंस ना, कैसे डिस्क्राइब करें, आप अगर खुद को पानी के अंदर डुबो के रखेंगे और आप सांस नहीं लेंगे, आप यू नो अंदर से तड़प होती है, आपको तकलीफ होता है, आप खुद को इतना दबा लेते हैं ना, हाँ ऐसा महसूस होता है ना। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आपको अपने कॉलेज पहुंचना है या फिर दुकान जाना है और एक सामान खरीदना है, आपका बस प्लान वही होता है, लेकिन अचानक से आपके सामने कोई आ जाता है और आपको चीखी करके छेड़ देते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको गुस्सा आता है, आप कुछ बोल नहीं पाते हो, हाँ क्योंकि जो आप जिसने आपको छेड़ा है उसको पता है कि वो आपको छेड़ सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, और आप उसे तर्क भी नहीं कर सकते। शुरू शुरू में मैं तर्क करने की कोशिश कर देगा, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, मैं भी इंडियन हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं अरुणाचल से हूँ ना, तो शुरू में कोशिश करती थी कि आपको, मैं उनको समझाती थी कि ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए, मुझे बुरा लगता है, लेकिन कब तक करेंगे, क्योंकि आपको कॉलेज से, घर से कॉलेज पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगता है, और 40 मिनट में आपको हर 10 मिनट के हिसाब से या फिर हर 5 मिनट के हिसाब से कोई ना कोई कुछ हैरेस कर देता है, आप जब तक कॉलेज में घुसते हो, आप उनसे लड़ते रहोगे नहीं, नहीं होता है ना लड़ाई, आप चुपचाप धीरे 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 इन बिहेवियर्स को आप झेलना शुरू कर देते हो और समझ लेते हो कि ये नॉर्मल है। उससे क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, रेसिज्म का एक्सपीरियंस एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस भी रहता है ना, क्योंकि आप अपने आप को दूसरे समाज के लोग के या दूसरे इंसान के बराबर समझते हो और अचानक से आपके साथ में कोई सामने आके कोई आपको इस तरह से छेड़ देता है, कोई लड़का हो या लड़की हो। एक बार मुझे, मैं अपने ही कॉलेज में, विमेंस कॉलेज था, दौलत राम कॉलेज, कॉलेज में मैं अपने क्लासरूम के तरफ जा रही थी और 3 लड़कियां मेरे पीछे आके मुझे चिंकी चिंकी बोल रही हैं, मैं पूछे पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो लोग हंसते हैं और उसके बाद मैं आगे मुड़ के फिर आगे बढ़ती हूँ, फिर चिंकी चिंकी करके मुझे पूरा कॉरिडोर उन लोगों ने छेड़ा और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं लड़ना नहीं चाहती थी, मेरा क्लास शुरू होने वाला है और मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो जो कि हो चुका था, है ना, और पूरा दिन मेरा वहाँ पे ख़राब चला गया। आप दिन इस तरह से बना के नहीं जा निकलते हो ना घर से कि आज मेरे साथ ऐसा होगा, आज आज मुझे ये सामना करना पड़ेगा, हाँ आपके दिमाग में ये रहता है कि आज मैं ये काम करूँगी, मुझे यहाँ यहाँ जाना है और वापस आना है, लेकिन क्योंकि आप इस समाज से हो, आप उत्तर पूर्वी राज्य से हो, आप ऐसे दिखते हो, आपके साथ में कुछ भी हो सकता है ना, और क्या बोले, ये आपके चेहरे पे है, आप नहीं छुपा सकते। तो इनिशियल फेज में मुझे अपने चेहरे से नफरत होने लगी थी, अपने समाज से नफरत होने लगी कि हम लोग क्यों ऐसे हैं, हम लोग दूसरे जैसे क्यों नहीं हैं, है ना, और ये सारे सवाल अल्टीमेटली मुझे एक डिप्रेशन में ले गया और यहाँ से उभरने में मुझे बहुत समय लगा, बहुत समय लगा। और फिर मैं मुंबई में मेरा अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चली गई, जहाँ पे जाके मुझे बहुत अलग एहसास हुआ है ना, दिल्ली जैसा नहीं है, वहाँ पे लोग बहुत डिफरेंट नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो यू नो हर पल पे आपको कोई ना कोई मिल जाता था जो आपको तंग करता था, हाँ उसमें बहुत कमी आ गई मुंबई में, एक डिस्टेंस आ गया। और जहाँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में मैंने पढ़ाई किया था तो वहाँ पे इस इशू को लेके डिस्कशन भी होते थे, तो पहली बार मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम मेरे में नहीं है, प्रॉब्लम जो आपके सामने में है उनको है ना, वो उनकी सोच में है, सोच को बदला जा सकता है, मैं अपनी शक्ल नहीं बदल सकती और मैं जिस समाज से आती हूँ मैं उसको नहीं बदल सकती,
और मुझे अपने समाज पे बहुत गर्व है ना। तो बदलाव उन इंसान के सोच में आनी चाहिए जो दूसरे समाज को नीचा समझते हैं। ये सारी समझ में आ गई। और लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब मैं दोबारा दिल्ली में काम करने आई तो उस समय गुस्सा आता था ना। जब ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं छोटी थी और समझ में नहीं आता था कि क्या होता था, मैं खुद से नफरत करने लगी थी, मेरे अंदर हीन भावना इतना भर चुका था। लेकिन जब मैं अभी जॉब करने आई तो मुझ में गुस्सा है ना, बहुत गुस्सा आता था। मुझे कोई अगर कोई छेड़ देगा तो मैं उसके साथ लड़ने लगती थी। ऑटो वाला होता था जो मुझे नॉर्थ ईस्ट का देख के प्राइस को डबल कर लेता था, और मुझे पता है कि यहाँ मैं अगर मैं किसी दिल्ली लोकल के साथ में जाऊँगी तो उसको उतना चार्ज नहीं करेगा जितना मुझसे किया जा रहा है। तो मैं बहुत लड़ती थी, लेकिन और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हाँ लड़के फ्रेंड्स थे, लड़कियाँ थे, जो शेयर करते थे सिमिलर मेरी तरह एक्सपीरियंस। धीरे धीरे मैंने वो भी नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया कि ठीक है, मुझे गुस्सा होगा तो फिर मेरा अपना समय जाएगा, अपना ये अपना एनर्जी जाएगा, है ना, मैं खुद को ही परेशान करूँगी। तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे। फिर दोबारा वो प्रोसेस हुआ और फिर दोबारा से वो हीन भावना फिर से आने लगी, या फिर खुद को सवाल करना कि मैं यहाँ पे रहने लायक हूँ कि नहीं। ना जॉब पे होता है या आपके क्लासेस पे होता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मेरे बहुत सारे जूनियर्स थे जो बताते थे कि उनके साथ में क्लास में क्या होता है, आपके टीचर आपको बेवकूफ़ समझते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट से जो आते हैं बच्चे, आप देखेंगे हम बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। हाँ, एक तो लैंग्वेज के कारण भी हमें भाषा के वजह से हम लोग इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। दूसरा, हमारा हाव भाव भी काफ़ी अलग रहता है। हम लोग ऑलरेडी अपने घर से बहुत दूर आके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और ख़ुद को बहुत वल्नरेबल फील करते हैं। तो ऐसे समय में आप एक्सपेक्ट करो कि हम यहाँ के लोकल बच्चों के जैसे क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, यू नो, हम इतने सारे मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं। हमको थोड़ा समय मिलता है अपने दोस्तों के साथ में, जो दोस्तों के साथ अपने जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ रह के जो थोड़ी सी आराम मिलती है, सुकून मिलता है। तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम उसी बराबरी से क्लास में परफॉर्म करें। कई बच्चे हैं जो नॉर्थ ईस्ट से जो बहुत ब्राइट हैं, यू नो, जो इन सारी क्या इशू के बावजूद भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई में। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सब में उतनी क्षमता नहीं होती है। मेरा कैपेसिटी बहुत कम था, मैं डिप्रेशन में थी। हाँ, मैं किसी तरह से सरवाइव कर रही थी। मुझे डर रहता था हमेशा कि कल को कहीं मुझे किडनैप नहीं कर ले, मेरा गैंग रेप नहीं हो जाएगा, कल को मैं अपने घर अपने रूम में बैठी हूँ कोई आके मेरा मर्डर ना कर ले, है ना। मुझे जीने का डर रहता था। और ऐसे समय में मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोच सकती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आता था कि आज मणिपुर की दो लड़कियों के साथ ये हो गया, उनका रेप हो गया, नागालैंड के इस लड़की के साथ में ऐसा हो गया, हाँ मिजोरम के एक लड़का को मार दिया गया, ये ना बहुत डिस्टर्बिंग था। तो ये मैं उन समय की बात कर रही हूँ, कुछ 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो अभी रेसिज्म में क्या क्लास के वजह से कुछ डिफरेंस होता है? तो ज़रूर होता है ना, क्योंकि अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी तो मेरा इकोनॉमिक स्टेटस जो है पहले से बेहतर था। मैं अच्छी जगह पर रह रही हूँ और मुझे रास्ते पे चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ऑटो ले लेती हूँ या रिक्शा ले लेती हूँ जो भी, या कैब ले लेती हूँ, ऑफिस में पहुँचती हूँ, अपना काम करती हूँ और उसी तरह से वापस आ जाती हूँ एक अच्छे से सोसाइटी में। तो मुझे लगने लगा था कि दिल्ली बदल गया है काफ़ी हद तक ना, हाँ, जो कि है, सच भी है। और मुझे लगा कि बदला, क्यों पहले जैसा नहीं होता था यहाँ पे। पहले लोग घूरते रहेंगे, आपको कुछ भी अनबन सवाल करेंगे, कहीं से भी कोई भी आके छेड़ देगा आपको, है ना, और जानबूझ के आपको ऐसे ऐसे बातें
पूछेंगे बताएंगे जिससे आपको तकलीफ होती है, तो वो सब उन सब चीज़ों का सामना नहीं होना पड़ रहा था मुझे। लेकिन एक दिन मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ में बात करने लगी और ऐसे शेयर करते करते बताने लगी कि पहले दिल्ली कैसा था और अब कैसा है। तो मेरे स्टूडेंट ने बताया कि पहले दिल्ली जैसा था अभी भी वैसा है। उसने बताया, गिनाया कि क्या क्या होता है उनके साथ में, कैसे कैसे होता है। एक बच्चे को छत से लटकाया और उससे बोला कि उससे ज़बरदस्ती बुलवाया कि वंदे मातरम बोलो, है ना, या फिर वंदे मातरम बोलो इस तरह से। अब रेंट को लेके उनको घर नहीं मिलता है, ढूंढना पड़ता है, कई महीनों तक वो घर ढूंढते रहते हैं, और घर मिलता भी है तो नो डबल प्राइस में उनको मिलता है, और कई सारे शर्तों के साथ में रहना पड़ता है उन घरों पे। और रास्ते पे चलते हुए लोग फिर से छेड़ देते हैं उनको। तो ये सब सुनने के बाद मुझे अपनी पुरानी सारी बातें याद आ गई कि क्या मतलब क्यों है ऐसा। तो आज ये मौका मैंने इसलिए लिया कि इस बारे में बात करूं। हमारे आप लोग आदिवासी समुदाय से हैं, हम लोग नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो शेयर एक साझा करने का कि मतलब ऐसा होता है हमारे साथ में और इस चीज़ को हम कैसे डील कर सकते हैं। रेसिज्म के बारे में बहुत सारी बातें, मतलब कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें बोलना मुश्किल है ना, इसके कई पहलू हैं। हाँ, कई बार बोलते हैं कि रेसिज्म क्या है, एक क्या फिर से मैं बोलूँ कि संरचनात्मक मुद्दा है ना। वो कैसे है, वो इससे है कि रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, नहीं, हाँ, एक आम सवाल हमसे पूछा जाता है कि अक्सर पूछा जाता है हमसे कि आप क्या कुत्ते का मांस खाते हो, है ना। और पहले मुझे बहुत झिझक होता था बोलने में कि हाँ मैं खाती हूँ या हमारे लोग खाते हैं। फिर पूछते हैं कि अच्छा चूहा खाते हो, और मतलब ऐसे पूछते हैं कि मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं गिल्टी फील करूँ ना, मुझे बुरा लगे, मुझे शर्मिंदा हो ये बोलने में कि मुझे, हाँ मैं कुत्ते का मांस खाती हूँ, है ना, या हमारे समाज के लोग खाते हैं करके। अभी अभी कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलती हूँ हाँ खाती हूँ, कुत्ता का मांस खाती हूँ, चूहा का भी मांस खाती हूँ मैं, क्या मुर्गी भी खाती हूँ, है ना, और मुझे मछली पसंद नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन मछली भी खाती हूँ, आलू भी खाती हूँ, गोभी भी खाती हूँ, है ना, और मुझे ये खाने की चीज़ें हैं, मुझे जिस तरह से मेरी टेस्ट है, जो मुझे पसंद है मैं खाती हूँ। हाँ, और आप मुझे नहीं बता सकते हैं कि मैं क्या खा सकती हूँ क्या नहीं खा सकती हूँ, लेकिन भारत देश ऐसा है कि यहाँ पे खाने पीने को भी कंट्रोल किया जाता है ना, कंट्रोल किया जाता है, सिर्फ एक समाज दूसरे समाज को कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन आपका सरकार भी कंट्रोल करते हैं कि तुम ये नहीं खा सकते हो, तुम वो नहीं खा सकते हो, तुम वो खा सकते हो, वो नहीं खा सकते हो, है। तो एक रिसेंटली अभी इशू बना था नागालैंड में, जहाँ के समुदाय लोगों में हर कोई नहीं, लेकिन वहाँ पे कुत्ते का मांस जो है बहुत एक डेलिकेसी मानते हैं इसको, और लोग बहुत चाव से खाते हैं, और सबसे महंगा मीट मांस भी माना जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे उसकी मार्केट में उसकी सेलिंग होती है, आप जाएंगे आपको दिखता था, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ फोटोज़ निकल के आए, जिसके वजह से जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट जो लोग हैं उनको बहुत हर्ट हुआ कि ये लोग कुत्ते का मांस कैसे खाते हैं, कुत्ते को कैसे मार सकते हैं, है ना। और एक ऐसा इमेज बनाया गया कि
ये नागा लोग जो है कितना वो अनसिविलाइज है, कैसे बारबरिक है, या फिर कैसे जंगली है कि कुत्ता का मांस भी खाते हैं। तो एक पेपर आया था डोली की कोन करके, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कैसे गलती हो गई नागा लोगों में कि वो लोग वो हो कि ये हो गया है ना, कि क्योंकि आपने कुत्ते का मीट को मुर्गी के मीट जो है उसके बगल में बेचा, आपने उसको सुंदर से पैक करके फिर वहाँ पे ऑर्गेनिक कर लिख के, या फिर एक अच्छे से क्या बोलते हैं ना वो सेल्फ बना के वहाँ पे नहीं बेचा, इसलिए उनके साथ में ये कहा गया कि आप कुत्ते का मीट खाते हो तो आप अनसिविलाइज्ड हो, आप जंगली हो करके। आप मुर्गी का मांस खाते हो, आप सुअर का मांस खाते हो, आप मटन खाते हो, गाय का क्या गाय का मांस खाते हो, हाँ उससे इशू नहीं है, आप कुत्ते का मीट कैसे खा सकते हैं, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि हमारे समुदाय के बारे में पूछा जाता, मुझसे तो बहुत पूछते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं नॉर्थ ईस्ट से खाती हूँ, अच्छा तुम लोग तो कीड़े मकोड़े खाते होगे, तुम लोग ये खाते होगे, लेकिन और इस तरह से पूछा जाता है, पूछते हैं या फिर इस तरह से बोलते हैं कि मतलब मुझे उससे वो, जैसे मैंने बोला मुझे शर्मिंदगी फील होना चाहिए, मुझे बोलने में झिझक होनी चाहिए, और होता भी था, लेकिन अब नहीं, अब मैं जो हम लोग खाते हैं वो खाते हैं, है ना, और जो खाने लायक है वो खाना चाहिए। और जहाँ तक हम लोग, जब हम दूसरे मांस भी खा सकते हैं, हमारे लिए ये जो मांस है एक मांस है, और इस देश में खाने पीने को लेके इस तरह की राजनीति नहीं चलनी चाहिए, लेकिन नागालैंड में जैसे ही ये एनिमल एक्टिविस्ट लोगों ने सवाल उठाया, 24 घंटे के बीच में अंदर अंदर कुत्ते का मांस को बैन कर दिया, अब लोग नहीं खा सकते, मार्केट में नहीं बेचा जा सकता, और लोगों को अगर कुत्ता का मांस खाना भी है तो वो नहीं खा सकते, हाँ उनको रोका जा रहा है ना। तो डोली किकोन ने सवाल उठाया नागालैंड में, अभी 1 महीने पहले अफ्सफा जो स्पेशल आर्म्स फोर्स एक्ट है पूरे स्टेट में फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ये स्पेशल आर्म फोर्स एक्ट जो है क्या है, ये सरकार के आर्मी को सिपाहियों को वो प्रोटेक्शन देता है कि वो अगर किसी पर शक करता है कि कोई किसी नागा समुदाय के लोगों के ऊपर शक करते हैं कि ये अंडरग्राउंड मिलिटेंट ग्रुप के मेंबर हैं, तो वो उनको अरेस्ट करने से लेके गोली मार सकते हैं, उनकी जान ले सकते हैं, और आर्मी के जो जिन्होंने मारा है उनको उन पे कोई केस नहीं चलेगा, उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिए जाएंगे, है ना। और आप लोगों ने शुरुआत सुना होगा इरोम शर्मिला जी का नाम, जो 12-13 साल तक अनशन में थे, हंगर स्ट्राइक कर रहे थे कि अफ्सफा को हटाए, ये स्पेशल आर्म ये जो एक्ट है उसको हटाए, है ना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, किसी की भी जान लेने के लिए सरकार को पावर देता है। इसका प्रोटेस्ट इतने सालों से चलती रही लेकिन नहीं हुआ, और अभी ये एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन होता जाता है, और इसके अंदर में कितने इंसानों को मारे जाते हैं, है ना, और अरेस्ट किए जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, लेकिन ये हटाया नहीं जाता, लेकिन कुत्ते को मांस के लिए मारते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर बैन कर दिया जाता है। तो डोली किकोन पूछते हैं कि अगर ये क्या, अगर ये रेसिज्म नहीं है तो क्या है ना, ये एक स्ट्रक्चरल ऑपरेशन नहीं है तो क्या है, स्ट्रक्चरल बोलें तो संरचनात्मक ऑपरेशन नहीं है, मुद्दा नहीं है तो क्या है, कैसे एक देश और देश का कानून एक समुदाय को समुदाय के मानव इंसान की जान को एक कुत्ते की जान के तुलना से भी कुत्ते की जान से भी तुलना में कम समझते हैं, और
यही सवाल कई बार हम लोग उठाते हैं और जब झेलते रहते हैं कि क्या क्या कैसे इस देश में इतने सारे भेदभाव होते हैं, इतने सारे क्या रेसिज्म है, कास्टिज्म है, हाँ, और क्या क्या बोलेंगे, इतने सारे हैं, और उसके बीच में हम लोग सवाल भी नहीं उठा पाते हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कैसे इन सारे इश्यूज को दबाया जा रहा है। दिल्ली में जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्पेशल सेल है पुलिस का, जो इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों से जो लोग आते हैं उनके इश्यूज को कई बार यहाँ के लोकल लोग नहीं समझ पाते और लोकल पुलिस भी उसमें मदद नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए या फिर उनको सही तरीके से सॉल्व रिजॉल्व करने के लिए ये सेल बनाया गया, ताकि हमें कुछ इशू हो तो हम सबसे पहले वहाँ जाएं। लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बताया कि वहाँ पे भी अगर आप केस लेके जाते हैं तो केस को केस को कैसे आप दायर करते हो, FIR लिखते हो ना, पुलिस वहाँ पे आपको काउंसलिंग करता है कि FIR मत लिखो, है ना, इस बात को रहने दो, आगे मत बढ़ाओ, है ना, ये आपस में ही सुलझा लो। तब तक कई केसेस में तब तक केस रजिस्टर नहीं किया जाता जब तक लोग जमा हो के वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करते, है ना। तो अगर ये रेसिज्म नहीं है तो क्या है, और कब तक लोगों को लड़ना पड़ेगा रेसिज्म जो शब्द है उसको एक उसको दर्ज करने के लिए कि ये इशू है। अगर अगर बहुत सारी बातें हैं, क्या कैसे बताया, अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी अखोनी करके एक फिल्म आया था, जो अखोनी क्या है, एक वो है फर्मेंटेड बीन्स, बीन्स है एक एक खास तरह का क्या बोलेंगे इंग्रेडिएंट है, हाँ, जो हम खाने में डालते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी स्टेट्स में लोग खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसका स्मेल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे लिए वो स्मेल जो है बहुत क्या एपेटाइजिंग है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों को वो पसंद नहीं है। तो कई बार ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे इस खाने को लेके हमारे लोगों के ऊपर अटैक हुए हैं, घर हमारे पड़ोस के रहने वाले, हमारे मतलब मैं अपनी और अपने सारे साथियों के बारे में बता रही हूँ ना, उनके घरों पे उनके अटैक हुए हैं, उनको पीटा गया है, उनको ह्यूमिलेट किया गया है उनके खाने के ऊपर लेके। तो ये फिल्म बनाया है उस एक्सपीरियंस को बताने के लिए कि रेसिज्म कैसे काम करता है। और लेकिन फिल्म के एंडिंग में ऐसे दिखाया गया है कि मतलब कि गलती फिर भी हमारे लोगों का है। मैं अपने भाई से बात कर रही थी और भाई बोल रहे थे कि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, आप जहाँ पर रहते हो उनके समाज के मुताबिक रहो, है ना, और ये कहना बहुत आसान है ना, और इसके एवरीडे इम्पैक्ट क्या होता है वो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं क्या बोलूँगी, नहीं ये बोलना भी गलत होगा, एक पुलिसिंग चल रहा है ना कि आपको ऐसा दिखना चाहिए तो आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको ऐसा पहनना चाहिए, आपको ऐसा खाना चाहिए, आपको ऐसी भाषा में बातें करनी चाहिए तो जाके आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, या फिर तो जाके आप जिंदा रह सकते हो वरना आपको कोई भी आके मार सकता है, या फिर तो जाके आपको इस देश में या इस शहर में आपको रिस्पेक्ट या सम्मान मिलेगा, वरना कोई भी आपको ह्यूमिलेट करेगा, आप सिर्फ आपको नहीं आपके सारे समाज को गाली देगा।